सो हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? तो जी, कल मैं वाटरफॉल से होके आया था, तो अब मैं दोबारा शालू के साथ और अनुष्का के साथ जा रहा हूँ ओल्ड मनाली और मनाली के लिए घूमने दोबारा से। वैसे आपको मनाली मैंने पहले घुमा रखा है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा थोड़ा आज ओल्ड मनाली और मनाली का थोड़ा सिटी अच्छे से वॉक कर लिया जाए। जिसमें से ये देखो, दोनों लड़कियाँ तैयार शैयार होके एकदम टिप टॉप होके जा रही है, मैं बस कैपरी छोटी सी और ये हल्की फुल्की टी शर्ट पहन के जा रहा हूँ यार, क्योंकि चिल कर रहे हैं यार, रिलैक्स होने के लिए। लड़कियों की बात अलग है, वो तैयार शेयर होके जाती हैं, तो बस रास्ते से गुजर रहे हैं। बाकी पवन और दो तीन बच्चे जो तो कल थे हमारे साथ, वो ओल्ड मनाली पहुँच चुके हैं, तो बस आपको वहाँ मिलते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या करना है, क्या एक्सप्लोर करना है, क्या नहीं। बाकी इस टाइम तो अभी मैं भांग में ही हूँ, भांग के रोड में ही हूँ। ये दो आ रही हैं पीछे। तो तकरीबन 2 किलोमीटर का ट्रैक था, तो वहाँ से अभी हम मनाली आ चुके हैं, न्यू मनाली। तो यहाँ पे हम पवन लोग को मिलते हैं, और फिर उसके बाद ये दो लड़कियाँ जाएंगी मनाली घूमने, न्यू मनाली, और हम लोग और पवन बच्चा पार्टी लोग को लेके मैं चल जाऊँगा ओल्ड मनाली के लिए घूमने के लिए। तो ऐसा कुछ है, बाकी देखते हैं। तो जी, पहुँच गया हूँ दोबारा से एक बार फिर मनाली में, और मिलते हैं वो चिंगड़ पार्टियों को, कहाँ हैं, फिर उनके साथ निकलते हैं। तो यहाँ पे देखो, कोई पूजा करके निकले यहाँ कहीं से लोग, भाई लोग। तो अभी वो यहाँ नीचे कहीं पर वेट कर रहे हैं हमारा, तो उनको ढूंढना पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर उनके बाद, निकलते हैं घूमने के लिए। तो ये देखो, फोटो खिंचाने के लिए खड़ा है भाई, खिंचा भी रहा है। क्या बात है, क्या बात, वेरी गुड ब्रो, वेरी गुड। तो यहाँ पे अनुष्का की बहन है छोटी वाली, तो वो लोग उनको मिलने गए हैं, तो ऐसा कुछ है, बाकी वो आते हैं फिर हम आगे चलते हैं यार। तो ये है इनकी बहन डोलमा, तो बस आगे मिल रहे हैं। छोटे छोटे गुलाब जामुन यहाँ पे बिक रहे हैं 30 रुपये का हाफ प्लेट, तो मैंने बोला चलो ट्राई करके देखते हैं, समाप्त मतलब। तो अनुष्का को दिया पकड़ने के लिए, खा के देखते हैं। गुलाब जामुन ही है ना छोटे वाले, तो ये पहली बार देखे ऐसे, चलो खाते हैं। तो अनुष्का अपने हाथों से खिलाते हुए अपनी बहनों को तो इनका नाम है डोलमा, इनकी छोटी सिस्टर जिसके बारे में बताया, और वो इनकी फ्रेंड होंगी शायद। तो ये माल रोड सारा, बाय बाय। हाँ, माल रोड आ गया, तो रुको, ये मुझे भी खिला रही है, थैंक यू। अच्छा, ज़बरदस्त। तो वो बच्चे पार्टियों को ढूंढ ढूंढ के थक गया, पता नहीं कहाँ पर है यार, बोल रहे नीचे आओ नीचे आओ, काफ़ी नीचे आ चुके हैं अभी तक तो मिल लिए। अच्छा, नीचे यहाँ मॉनेस्ट्री है, ये बस सामने ही, तो यहाँ पर है लोग, तो मिलते हैं इनसे यहाँ पर जाके। तो यहाँ गोनपा में है शायद, कह रहे हैं वो लोग, देखते हैं कहाँ हैं लोग, क्या कर रहे हैं। तो ये जी वो मोनेस्ट्री है, यहीं पे बुलाया इन लोगों ने यार पार्क में, तो पार्क में तो खुद वो है नहीं, कह रहे हैं हम अभी पीछे ही हैं, आ रहे हैं, तो यार आने दो, फिर उनको बताते हैं। देखो जी, वो आ रहे हैं ये लोग, इतनी दूर से दिमाग ख़राब, इतने देर से इनका वेट करते करते अब जाके पहुँचे तुम लोग हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे थे। इसका नाम है रानी। तो ये है पवन, अब पहुँचे यार, तुम लोग को कब से वेट कर रहे हैं, कहाँ थे तुम लोग, कहाँ थे तुम लोग, है यार, बाकी कहाँ है लक्ष्मी बखनी। एक और आ गए, क्या नाम है आपका, इसका नाम मुस्कान है, बोरे अभी मैं फ्रेम में नहीं आऊँगी, थोड़ी देर के बाद आ जाऊँगी बेशक। ये जी दो लड़कियाँ और आई हैं, एक लक्ष्मी पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, और एक ये दूसरी, क्या नाम है आपका, आदिति। इसने मुस्कान, रानी, लक्ष्मी, अनुष्का, आदिति, पवन, शालू, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। तो अभी डिसाइड हो रहा है किसने कहाँ जाना है, क्या जाना है। बच्चे पार्टी लोग जा रहे हैं वापस घर, तो शालू और अनुष्का इनका एक फ्रेंड है, फ्रेंड आने वाली है, तो उनसे मिलने जा रहे हैं। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि मेरा भी एक फ्रेंड था फेसबुक में, तो जो कि जॉब करता था मॉल में, अलांटे मॉल, तो वहाँ पर आए थे, कस्टमर थे एज ए, मतलब मेरे फ्रेंड बन चुके 2-3 साल से,
तो उनका यहाँ पे कैफ़े काफ़ी बड़ा दाना कैफ़े हाउस करके, तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद वहाँ जाके मिल लेता हूँ भाई से, क्योंकि वो मुझे बोलते हैं यार कभी मनाली आओगे तो आना, तो मुझे अब 5-6 दिन हो चुके मनाली आए हो लेकिन मैं गया नहीं हूँ, तो अभी मैं सोच रहा हूँ इन लोग को अपने अपने का भेज के और मैं उन भाई के पास जाके मिलता हूँ और दिखाता हूँ आपको, अगर मैं गया तो दिखाता हूँ उनका कैफ़े कैसे है, और अगर नहीं गया तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर ओल्ड मनाली तो मैंने घूमना ही घूमना है। तो ये लड़की है मुस्कान, मुस्कान इसका आदिति, सॉरी, तो देखो कितनी सुंदर लड़की है, नाम मेरे को मिसप्लेस हो गया। तो ये भी वहीं रहती है, शालू के घर के पास ही रहती है, तो बोल रही है देखो सुन लो उसको, बोल रही है सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो जी प्लान में आगे चेंजेस, तो इसकी फ्रेंड ने कर दिया मना, बोलती कि मैं बाद में आऊँगी, मेरे साथ और सारी फ्रेंड है। तो अब अनुष्का और ये शालू और हम लोग आए हैं गोलगप्पे खाने के लिए, तो गोलगप्पे खा लेते हैं। भैया मेरे में मीठा तेज मिर्ची बिल्कुल मत डालना, ठीक है, तो लड़की लोग खाती मिर्ची, लड़के लोग मिर्ची नहीं खाते, मीठा रखना। तो गोलगप्पे खाते हैं, आपको आगे मिलते हैं फिर। ये सारा मार्केट है तिब्बतन, तो सूट खरीदने के लिए आई है अनुष्का, किसके लिए? अच्छा खुद के लिए लेने के लिए आई, ये वाला पसंद किया, अच्छा है, अच्छा सिलाने के लिए दिया होता, ठीक है ठीक है, सिलाने के लिए दिया था, कैरी करने के लिए आए हैं ये। तो जी ये लड़कियों के हवाले कर दिया मैंने अपने आप को, तो ये जहाँ जहाँ लेके जा रही है, वाह वाह मैं जा रहा हूँ, अब देखते हैं आगे, यहाँ पार्क में बोल रहे हैं चलते हैं थोड़ा घूमने के लिए, तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं वहीं पे। देखो लड़का हाथ से घुमाते घुमाते कैसे फ़ोन में घुमा लेगा, यार क्या स्किल है, वाह यार देखा। तो काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, ओहो ये भाई हमारा दोबारा मिल गया एक बार हमको फिर से, ठीक हो? बस यार घूम रहे इधर ही भटक रहे हैं, तो ये भाई जिसने काजा से मेरे को यहाँ तक लेके आया था मनाली तक, दोबारा मिल गया एक बार, तीसरी बार मिल गया, तो बस अब करते हैं बादशाह फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, बाकी कहाँ है। तो वो फ्रेंड मिल गया था मुझे यार जो काजा से मेरे को यहाँ लेके आया था, तीसरी बार यहाँ मिल गया, तो थोड़े बहुत उससे गपशप लगा ली, तो अब वो रिचार्ज करने के लिए गई हुई दोनों जने यहाँ पर आगे, तो अपने फ़ोन का रिचार्ज करवा के आएंगे और मुझे यहाँ मिलने के लिए कहा है, तो फिर मिलते हैं और फिर वहाँ से आगे हम निकलते हैं घर के लिए। बाकी ओल्ड मनाली नहीं गया मैं इसलिए कि उनको कोई काम पड़े और शाम के 6 बज चुके हैं, और ओल्ड मनाली भी सेम ही है न्यू मनाली की तरह, कोई ज़्यादा खास नहीं है, बस वहाँ थोड़े पुराने पुराने घर हैं और यहाँ पर सारे नए आर्किटेक्चर है वहाँ पुराना है, तो इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया, चल बाद में कभी आएंगे दिखाएंगे। पिछले 15 मिनट से गई है वो रिचार्ज कराने के लिए, यार पता नहीं कहाँ चली गई, मेरे को यहाँ पे खड़ा कर दिया चौक के पास, तो आई नहीं अभी तक, फ़ोन कर रहा हूँ फ़ोन भी नहीं उठा रही है, तो अब कहाँ ढूँढूँ उनको, वेट कर लेता हूँ और इन्हें फ़ोन करता हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रही ना यार। तो 15 मिनट वेट करने के बाद ये लोग गई थी सामान लेने के लिए, तो अपना सामान वगैरह ले लिया, रिचार्ज भी कर लिया, तो अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। तो मनाली का ब्लॉग यहीं तक था गाइस, बस आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।